हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अपनी कायराना हरकत पर उतर आया है। उसने एक बार फिर सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए देश के जश्न आजादी में खलल डालने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से तिलमिलाया पाकिस्तान, कश्मीर की वादियों की फिजा बिगाड़ने की फिराक में जुटा है। दिल्ली के फैसले को कश्मीर की आवाम की हिमायत उसे हजम नहीं हो रही। बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है और सरहद पार से गोलीबारी बदस्तूर जारी है। और तो और, पड़ोसी मुल्क ने हिंदुस्तान के जश्न आजादी में भी खलल डालने की पूरी कोशिश की, इस पाक मौके पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में केजी सेक्टर में पाकिस्तान की फौज की ओर से सीज फायर तोड़ी गई, तो वहीं उरी और राजौरी में भी सरहद पार से जमकर गोलीबारी की गई। इसकी तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और एब्जेक्टली हो रही है, केजी सेक्टर में एब्जेक्टली हो रही है। और हम समझते हैं कि ये एक वायलेशन है, सीज फायर का भी वायलेशन है, वो तो गिना भी जाता है। हमारी फौज भी जवाब दे रही है, लेकिन मोदी सरकार से ये कहता हूँ, मोदी साहब से मैं कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी से मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात चलती है हमारे बड़े दिन में, जिस दिन हमारा आज़ादी का दिन है, तो मेरे ख्याल में इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। भारत की खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता इनपुट हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के चलते यहां पाकिस्तान से घुसपैठ बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना की चौकियों से भारी गोलीबारी वक्त वक्त पर की जा रही है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के मुताबिक भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और हर मोर्चे पर पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ के लिए काफी कोशिश की गई है। कई ऐसे मौके पाए गए जहां कि उनकी तरफ से घुसपैठिए लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए अंदर आना चाहते थे। उनको मदद करने के लिए पाकिस्तान द्वारा और उनकी सेना द्वारा सीज फायर वायलेशन भी की गई, लेकिन भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिल्कुल सतर्क है, चुकन्नी है और तमाम की तमाम इन्फिल्ट्रेशन की जो अटेम्प्ट हुई उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही रोका जा सका और जितने भी लोग अंदर आने की कोशिश किए उनको नष्ट किया जाकर। पाकिस्तान को कश्मीर पर एक के बाद एक दुनिया के तमाम देशों से जैसे जैसे मायूसी हाथ लग रही है, उसकी बौखलाहट बढ़ रही है। विश्व बिरादरी को कोसने के बावजूद जब किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की दलीलों पर गौर करना मुनासिब न समझा, तो हार कर पाकिस्तान फिर अपनी पुरानी हरकतों को दोहराने में लग गया। जिन कश्मीरियों का हवाला देकर वो दुनिया के देशों से भारत के फैसले में दखल देने की गुहार लगा रहा था, अब सरहदी इलाकों में रहने वाले उन्हीं कश्मीरियों पर गोलीबारी से भी उसे गुरेज नहीं। लेकिन कश्मीर की आवाम भी जान गई है कि केंद्र की ताकतवर सरकार के आगे अब पाकिस्तान की एक नहीं चलने वाली। पाकिस्तान ने आर्टी फायर खोल दिया है, लेकिन हमारे जावाज सैनिक, हमारे जावाज अफसर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, एक बार अगर गोला डालेगा तो हम उसके 10 जवाब देंगे। ये पाकिस्तान को सोच समझ के कर रहा है। ये हिंदुस्तान है, ये आज का नया हिंदुस्तान है, ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। कश्मीर की जनता की उम्मीदें बेजा नहीं है। भारतीय सेना पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बखूबी समझ रही है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर की घाटियों में आए आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। तक की हिंटरलैंड का सवाल है, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी अंदर के इलाके के अंदर भी आकर गड़बड़ मचाना चाहते हैं, लेकिन अंदर के इलाके के अंदर भी भारतीय सेना का काउंटर टेररिज्म ग्रिड बिल्कुल मजबूत है। जब भी कोई आतंकवादी की खबर कहीं भी मिलती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और आतंकवादियों को नष्ट किया जाता है। 15 अगस्त को भी पुंछ में केजी सेक्टर, उरी और राजौरी में पाक के सीज फायर वायलेशन पर की गई भारत की कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर है। मारे गए पाकिस्तानी जवानों के नाम नायक तनवीर, सिपाही रमजान और नायक तैमूर हैं।
वहीं पाकिस्तान ने 5 भारतीय सैनिकों को मारने का जो दावा किया है उसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।